दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे हम जो आपकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की जो मैथ है यूपी पॉलिटेक्निक स्पेशल फॉर यूपी पॉलिटेक्निक जो स्पेशल फॉर यूपी पॉलिटेक्निक दोस्तों है उसकी मैथ है। तो उसमें जो चैप्टर नंबर आपका है 27 चैप्टर दोस्तों नेम है त्रिकोणमिति फलनों के मान। दोस्तों इस चैप्टर के जो आपके क्वेश्चन है मैंने देखिए 10 क्वेश्चन करा दिए थे, बाकी के जो बचे क्वेश्चन है वो आपको इस वीडियो में कवर करेंगे हम। तो 11 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और जितने क्वेश्चन इस वीडियो में हो पाएंगे 25 से 30 मिनट में सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको आगे देखते रहना है और आपको एक इम्पॉर्टेंट काम कर लेना है तो सब्सक्राइब कर लेना है इस चैनल को। यदि आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको जो वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आई रिक्वेस्टेड टू दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि कोई भी आगे का वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपके पास आएगी। तो चलते हैं दोस्तों 11 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों लास्ट में आपसे एक चीज़ और, यदि आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। तो कॉसेक स्क्वायर 67 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 23 का जो मान है वहाँ पर ये आपको यहाँ ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं करना दोस्तों आपको, देखिए पहले इसको इसी तरह आप लिख लीजिए कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस। अब देखिए दोस्तों आपको टेन का एक फार्मूला पता है, फार्मूला क्या बोलेंगे हम इसको, सिंपल से बोलते हैं कि टेन स्क्वायर। अब इसको देखिए 27 की जगह यदि हम लिख दें 90 माइनस 67 तो बात तो एक ही हुई क्योंकि यदि हम 90 में 67 घटाएंगे तो आएगा तो 23 ही। तो हम लोगों ने क्या किया कि 90 की जगह 23 की जगह 90 माइनस 67 लिख लिया, 90 माइनस 67 लिख लिया। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर 67 डिग्री माइनस, अब देखिए आपको पता है टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा तो दोस्तों कॉट थीटा। अब स्क्वायर लगा दो, जस्ट स्क्वायर लगा देने के, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर का फर्क कब पड़ता, जब यहाँ पर टेन 90 प्लस थीटा होता और स्क्वायर लगा होता तो यहाँ पर स्क्वायर का फर्क पड़ता, पड़ता क्या कि यहाँ पर आपका माना था कॉट थीटा, ऊपर से लगा है स्क्वायर तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता, मतलब कि यहाँ पर माइनस नहीं रहता क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं अभी तक आपको स्क्रीन पर नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर जब दोस्तों यहाँ प्लस लगा होता तो यह था माइनस का स्क्वायर करते तो कॉट स्क्वायर थीटा आ जाता, इसलिए दोस्तों स्क्वायर का फर्क तब पड़ता। तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी प्लस में ही वैल्यू आई है। तो जस्ट सिंपल से हम लोग यहाँ पर कॉट थीटा की जगह दोस्तों यहाँ पर कितना है 67। तो अब आपको एक मान पता है, एक फार्मूला पता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए थीटा की जगह दोनों जगह सेम है तो इसका जो दोस्तों वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा 1। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखते हैं कौन सा विकल्प मैच हो रहा है, तो यहाँ पर 11 का जो बी नंबर विकल्प दोस्तों यहाँ पर मैच हो गया तो यही इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ है, आप देख सकते हैं टेन 315 अंश इंटू सेक 900 अंश प्लस कॉट माइनस 495 अंश इंटू कॉसेक माइनस 450 डिग्री का आपको मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि टेन 315 और उसके बाद सेक 900 और उसके बाद कॉट 495 उसके बाद कॉसेक 450, तो इसका आपको दोस्तों मान ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों कैसे करेंगे, पहले क्या करते हैं दोस्तों, देखिए आपको पता होगा टेन, अब देखिए 315 दिया हुआ है तो इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कि आपको देखिए सिंपल सा याद रखना है 90 होता है, 180 होता है, 270 होता है, 360 होता है। यदि इनके बीच में कोई भी वैल्यू आ रही है 270 और 360 के बीच में तो आपको 270 प्लस करना है, मतलब कि 3 इंटू 90 प्लस कुछ करना है। तो देखिए यहाँ पर 270 और 360 के बीच में 315 तो क्या करना है आपको 3 इंटू 90, तो यहाँ पर दोस्तों कितना हुआ 270। अब 270 में कितना जोड़ेंगे 315 हो जाएगा, तो 45 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 315 हो जाएगा। अब यहाँ पर सेक, अब ये दोस्तों आपको पिछले वीडियो में भी मैंने नहीं बताया था और उसके पिछले वीडियो में भी नहीं बताया था, आपको इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं कि ये सेक 900 का मान कैसे निकालेंगे इस रूल द्वारा। उसके पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जो आपने यदि मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको क्या करना है, आपको ऊपर राइट साइड में आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कि अब सेक 900 है तो इसको कैसे निकालेंगे। तो
तो चलिए इसी को दोस्तों हम लोग यहाँ देखते हैं। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 10 × 90 + 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर मैंने हर वीडियो में ये बोला है कि यदि कुछ जुड़ रहा है तो आपका अगले हर घर में चला जाएगा, लाइक दैट एग्जाम्पल के रूप में यदि आपको मैं समझाना चाहूँ, यहाँ पर आप छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आपका कोई भी दिया हुआ है, उसमें एन का मान मान लीजिए आपका 4 आया, तो यहाँ पर आया उसमें कुछ थीटा जुड़ रहा होता तो हम बोलते थे कि पाँचवें में चला जाएगा। पाँचवें में जाएगा दोस्तों, लेकिन कब जाएगा, जब थीटा का मान क्या होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, 0 और 90 के बीच में होगा, ना कि 0 भी ना हो और 90 भी ना हो, 0 और 90 के बीच में हो, तब के लिए मैंने ये बोला हुआ था। तो वही दोस्तों यहाँ पर है कि अब देखिए आ रहा है 10 × 90 + 0, आगे भी आपको सॉल्व करके बताएंगे। अब आपको पता है कॉट माइनस थीटा का मान होता है माइनस कॉट थीटा, तो सिंपल सा यहाँ पर लिख देंगे माइनस कॉट थीटा। अब आपको पता है माइनस कॉसेक माइनस थीटा होता है दोस्तों, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो माइनस माइनस दोस्तों ये फिर से प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर 495 रखते हैं और यहाँ पर फिर दोस्तों कॉसेक 450 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे कैसे करना है, आपको पता है तीसरे घर में जा रहा, मतलब कि एन का मान 3 है तो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, तीसरा। अब थीटा जुड़ रहा है 0 से 90 के बीच में, तो किस में चला जाएगा, चौथे में। चौथे में क्या होता है, कॉस होता है और सेक होता है, तो यहाँ पर क्या 10, तो ये जब दूसरे घर में जा रहा हो तो क्या लगेगा, माइनस लगेगा, क्योंकि दूसरे घर में जा रहा तो वो डंडा मारेगा तो माइनस लग जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 है, एन का मान विषम होने पर त्रिकोणमित अनुपात चेंज होगा, टेन का चेंज हो जाएगा कॉट में, कॉट 45 × अब देखिए अब इसमें मैंने अब मेन मुद्दे पे आते हैं। देखिए क्या है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, अब इसमें हमने दसवां घर पहले देखना है कहाँ पर है, तो चौथा घर यहाँ, फिर आठवां घर यहाँ, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नवां दसवां, दसवां घर यहाँ पर आया। अब आपको देखना है यहाँ पर कितना जुड़ रहा है, 0, मतलब कि आपका 0 जुड़ने का मतलब है कि कहीं पर भी नहीं जाएगा, आपका यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि यदि आप किसी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो वह संख्या सेम ही रहती है, तो वह दोस्तों यहाँ पर दसवें घर में ही रहेगा। तो दसवें घर का मतलब है यहाँ पर क्या होता है, साइन और कॉसेक, लेकिन यहाँ पर क्या सेक, तो क्या करेगा, पहले डंडा मारेगा तो माइनस लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एन का मान सम है, तो सम में त्रिकोणमितीय रेशियो चेंज नहीं होता, जो त्रिकोणमितीय रेशियो है चेंज नहीं होता, तो सेक का सेक ही रहेगा और सेक 0 लिख देंगे यहाँ पर। आगे देखिए कॉट, अब देखिए 360 से ज़्यादा है, तो अब ये देखिए आपको इसमें यदि आप डायरेक्टली नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना होता है, 495 है, अब यदि आप 360 वाले मेथड से इसको करेंगे दोस्तों तो आप उसमें असफल होंगे। देखिए कैसे असफल होंगे, कॉट 495 का मान दिया है, तो यहाँ पर यदि आप कॉट 360 + 135 करेंगे, फिर दोस्तों आपका कुछ 135 यहाँ पर निकल के आएगा, फिर आप उसको करेंगे तो आपका लॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको एक ये रूल बताया है 90 वाला, कि देखिए आपको कितने बार, 495 है, यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको 9 से भाग देना है, यहाँ पर 495 90 से भाग देना है, तो कितनी बार जाएगा देखिए आप, तो पहले यदि आप 90 में नहीं, पहले 9 में दे लीजिए तो देखते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों यदि हम 6 बार देंगे तो 6 × 54 होता है, मतलब 540 हो जाएगा, 5 बार देते हैं तो 5 × 9 = 45 होता है, मतलब कि 450, तो कितना बचा, 45 बचा, तो कितना आ जाएगा, 5 × 90 + 45 एक ही स्टेप में हो जाएगा दोस्तों। अब आगे कॉसेक 450, मतलब कि 5 × 90 + 0, तो ये भी आपको समझ में आया। अब आगे देखिए दोस्तों माइनस कॉट 45 का मान आपको पता है 1 होता है, माइनस लगा रहने देते हैं। अब आपको पता है कॉट 0 का मान कितना होता है, सेक 0 का, सॉरी दोस्तों सेक 0 का, तो कॉस 0 का मान दोस्तों यहाँ पर होता है 1, तो सेक 0 क्या हो जाएगा, सेक 0 का भी 1 होगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा माइनस का। अब देखिए प्लस, अब ये पाँचवें घर में अभी है, 45 जुड़ रहा तो जाएगा छठवें घर में, छठवां घर कहाँ होता है, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां, छठवां घर यहाँ पर है, छठवां किसका हो गया दोस्तों, साइन और कॉसेक का, यहाँ क्या है कॉट, तो क्या करेगा माइनस लगाएगा, त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होगा क्योंकि विषम है। अब देखिए कॉसेक, पहले यहाँ पर देखते हैं कि किस घर में जा रहा, तो अभी ये पाँचवें में है और 0 जुड़ रहा, तो मैंने आपको बताया 0 जुड़ेगा तो उसी घर में ही बना रहेगा, तो पाँचवा घर ये है, इसमें सभी होते हैं तो माइनस का चिन्ह नहीं लगेगा। उसके बाद ये कॉसेक है, कॉसेक का क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेक होता है, तो कॉसेक का सेक 0, तो अब देखिए
ये माइनस वन हो जाएगा प्लस का वन, उसके बाद टेन 45 का मान वन होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इंटू सिक्स जीरो का मान वन होता है तो वन माइनस वन कट जाएगा, आ जाएगा दोस्तों फाइनली आंसर जीरो। दोस्तों काफ़ी मैंने आपको डीपली समझाया इस क्वेश्चन को, बस इसलिए समझाया क्योंकि यदि आपको समझ में आएगा तो हमको वीडियो बनाने में भी अच्छा लगेगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे की ओर हम लोग। अब दोस्तों थोड़ा हम लोग स्पीड को मेंटेन करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कॉस 570 साइन 510 साइन 330 डिग्री और कॉस 390 डिग्री। अब दोस्तों थोड़ा स्पीड को हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो आप लोग थोड़ा इसी में हमको कॉपरेट करिएगा, मतलब कि साथ दीजिएगा आप लोग भी। तो कॉस अब देखिए 570 है तो आपको पता है 9 8 72 तो 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 7 9 63 7 बार में 6 बार में दोस्तों हो जाएगा 6 × 90 + 23 54 आएगा, 54 में 3 जोड़ते हैं 57 हो जाता है साइन। अब देखिए 6 बार में ज़्यादा हो रहा है तो यदि आप माइनस में करना चाहते हैं माइनस भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करेंगे प्लस में। तो 6 5 बार में करते हैं तो 5 9 45 मतलब 450 बचेगा 60, फिर माइनस। अब देखिए यहाँ पर 270 करेंगे 3 × 90 270 में जब हम 60 जोड़े तो हो जाएगा 330, तो ये हो गया। फिर कॉस अब यहाँ पर 360 मतलब कि 4 × 90 + 30, तो ये समझ में आपको आ गया होगा कैसे इसको आपको ब्रेक करना है। अब देखिए छठवें घर में छठवें जाएगा सातवें में, तो चौथा पांचवा छठवां सातवां, सातवां किसका होता है देखिए, चौथा ये हो गया, पांचवा छठवां सातवां, सातवां होता है 10 का, छः में है कुछ जुड़ रहा जाएगा सातवें में, तो ये 10 का होता है, यहाँ कॉस है तो लगेगा माइनस, कॉस का कॉस ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर इवन नंबर है। उसके बाद कॉस 30 इंटू, अब देखिए साइन 5 इन मतलब कि यहाँ पर देखिए साइन अब पांचवें घर में है, छठवें घर में जाएगा, छठवां घर किसका होता है, चौथा ये पांचवा ये छठवां, तो साइन का घर होता है छठवां। तो छठवें घर में दोस्तों क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि छठवें घर में जब साइन है और साइन यहाँ पर भी है तो प्लस का चिन्ह लगा रहेगा, त्रिकोणमित अनुपात चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, विषम है तो विषम को जब होता है तो त्रिकोणमित अनुपात को चेंज करेंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस 60। आगे देखिए दोस्तों पहले 3 लगा है त्रिकोणमित अनुपात चेंज हो गया, अभी तीसरे घर में जाएगा चौथे घर में, तो तीसरा घर 1 2 3 चौथे घर में, चौथे घर में जाएगा दोस्तों माइनस लग जाएगा, कॉस 60 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए कॉस 4 × 9 चौथे घर में है कुछ जुड़ रहा तो जाएगा पांचवें, पांचवें में सभी होते हैं मतलब ये प्लस का रहेगा, माइनस का कोई इशू नहीं आएगा, यहाँ पर 4 है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, तो ये आ गया। तो कॉस 60 × cos 30, अब देखिए ये माइनस माइनस इसको प्लस कर लेंगे, ये माइनस माइनस हो गया दोस्तों प्लस। अब देखिए ये सेम साइन बिल्कुल अपोजिट तो कट जाएगा, 0 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। टेन 5 टेन 25 डिग्री एंड टेन 45 डिग्री टेन 65 डिग्री एंड टेन 85 डिग्री सभी मल्टीपल में है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी तरीके से आपको बताता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर टेन 5 और ये 85 मतलब कि ये कुल मिला के 90 बनेगा, 25 65 मिला के 90 बनेगा, और टेन 45 का मान आपको पता है कितना होता है 1, तो पहले इसको हटा देते हैं क्योंकि किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो अब देखिए टेन इसको क्या लिख सकते हैं, 90 - 85 लिख सकते हैं, लिख लिया। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 90 - 65 लिख सकते हैं, अब देखिए लिख लिया। अब इसको टेन 65 इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 65 लिख सकते हैं। इसके बाद टेन 85 है तो इसको लिख सकते हैं 1 upon cot 85, इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए आगे टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह 85, टेन 90 - थीटा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की जगह 65 इंटू कॉट 65 इंटू कॉट 85। देखिए 85 से 85 कैंसिल, 65 से 65 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 1 क्योंकि सब मल्टीपल करके 1 आएगा, तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, 14 का यहाँ पर विकल्प नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। चलिए अब 15 की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है साइन 330 डिग्री इंटू टेन 495 डिग्री इंटू कॉसेक 150 डिग्री अपॉन टेन 120 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए साइन
तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 90 + 60 डिग्री इंटू 10, 3 नहीं बल्कि यहाँ पर दोस्तों 5 होगा 5 × 90 तो 450 हो जाएगा, प्लस जोड़ेंगे 45। आगे देखिए कॉसेक दिया हुआ है, कॉसेक तो यहाँ हो जाएगा ये 1 × 90 + 60 अपॉन में 10 × 90 + 30 या फिर 1 × 90 + 30 बात एक ही हो गई। अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, तीसरे में है कुछ जुड़ रहा जाएगा चौथे में, चौथा होता है कॉस और सेक का तो माइनस लगेगा, त्रिकोणमित अनुपात चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर 3 है तो कॉस हो जाएगा, कॉस 60 आ जाएगा इंटू पाँचवें, 5 लिखा हुआ मतलब कि विषम है, अनुपात चेंज कर दिया। अब देखिए पाँचवा है तो पाँचवें बाद किस में जाएगा, छठवें में, क्योंकि कुछ जुड़ रहा है 45 जुड़ रहा है तो छठवां होता है साइन और कॉसेक का तो यहाँ भी माइनस लगेगा, उसके बाद 45। अब कॉसेक का देखिए चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर एक है विषम है, सेक हो गया। अब देखिए अब जो दूसरे घर में जा रहा है क्योंकि पहले में कुछ जुड़ेगा जाएगा दूसरे में, दूसरा होता है यहाँ पर साइन और कॉसेक का तो कॉसेक मिल रहा है तो यहाँ पर प्लस लगा रहेगा, 60 लिख देंगे अपॉन में 10 × 90 + 30 तो यहाँ पर 1 है और उसके बाद दूसरे पहले घर में कुछ जुड़ेगा जाएगा दूसरे घर में, दूसरे घर में दोस्तों साइन और कॉसेक होता है, यहाँ पर 10 है तो डंडा मारेगा माइनस लगाएगा, अब यहाँ पर 1 होगा मल्टीपल में तो 10 का किस में जाएगा, कॉट में, कॉट 30। इतना दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया, अब आगे देखते हैं। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू रखना है तो पहले माइनस कॉस 60 का मान आपको पता है कितना होता है, 1/2। कॉट 45 का मान -1 इंटू sec 60 का मान क्या होता है अब आपको बताना है, तो क्या है जो cos 60 का मान होता है 1/2 तो sec 60 का 2 हो जाएगा अपॉन में। अब यहाँ पर आपको cot 30 का मान रखना है, cot 30 का दोस्तों जो मान होगा देखिए tan 30 का होता है 1/√3 तो cot 30 का हो जाएगा दोस्तों √3 तो यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों √3। अब देखिए यहाँ पर 2 से 2 कटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो 1/ दोस्तों कितना बचेगा 1/√3 तो यही राइट आंसर हो जाएगा। तो 15 का दोस्तों यहाँ पर जो देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा, तो यहाँ पर देखिए कुछ माइनस प्लस में शायद मिस्टेक हमको लगता है हुई है, एक बार हम लोग चेक करते हैं इसको, मिस्टेक दोस्तों कुछ नहीं हुई है, प्रॉब्लम ये थी हमने यहाँ पर माइनस लिया हुआ है और यहाँ पर दोस्तों माइनस हमने लगाया नहीं था तो यहाँ पर माइनस का 1/√3 आएगा तो 15 का जो विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर बी है वो राइट हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों कॉज ए माइनस साइन है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में मजा आ रहा तो वीडियो लाइक करिए, इसका मान ज्ञात करना है यदि आपका 11π/30 आपका ए का मान हो तो पहले कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ए बराबर 11π/30 दिया हुआ तो पहले आपको इसको सॉल्व कर लेना है तो 11 × 180/3 छः बार में पूरा कट जाएगा आएगा 11 × 6 मतलब कि 660 तो ए का मान कितना है 660 तो कॉज 660 − sin 660 तो अब देखिए कॉज 660 के लिए क्या करेंगे 7 × 63 होता है 7 का पढ़ा जब 9 बार पढ़ेंगे 63 आएगा मतलब कि 7 × 90 + 30 यहाँ आएगा 630 630 में 30 जोड़ेंगे 660 माइनस सेम इधर 90 + 30। अब देखिए सातवां है मतलब 7 है तो त्रिकोणमित अनुपात पहले हमने चेंज कर दिया, सातवां घर है मतलब कि 4 इधर हो गए 3 इधर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां एक बात कुछ जुड़ रहा है तो मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा इस घर में, इस घर में होता है कॉस, इस घर में होता है कॉस और सेक तो यहाँ पर कॉस है तो आपका माइनस नहीं लगेगा सेम रहेगा इतना। उसके बाद साइन है तो कॉस में चेंज मतलब 7 है तो कॉस में चेंज कर लिया पहले हमने, सातवें घर में है कुछ जुड़ा आठवें में जाएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा 30। अब देखिए दोस्तों आगे, अब आगे आपको क्या करना है साइन 30 का मान रखना है, साइन 30 का दोस्तों जो मान होता है वो होता है 1/2, कॉस 30 का मान होता है √3/2 तो लासा लेंगे तो आएगा रूट इधर आ जाएगा 1 इधर आ जाएगा √3 तो इसको लिख सकते हैं √3 + 1/2। तो देखते हैं विकल्प नंबर 16 का यहाँ पर सी दोस्तों राइट है, 16 का यहाँ पर सी जो है √3 + 1/2 तो ये भी हो गया 16 नंबर। अब बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉसेक 90 + θ
प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको पता है कॉसिक 90 प्लस थीटा, मतलब कि कॉसिक पहले घर में दूसरे में जाएगा तो कॉसिक होता है, तो आपका कॉसिक का जो माइनस का चिन्ह है वो नहीं लगेगा, प्लस ही रहेगा। यहाँ पर 90 है मतलब कि 1 है, मल्टीपल में कितना है 1, तो कॉसिक का चिन्ह हो जाएगा सेक में, तो सेक थीटा आ जाएगा। फिर एक्स कॉस थीटा, उसके बाद कॉट 90 प्लस थीटा का मान आपको पता है कितना होता है, माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा दोस्तों कॉस थीटा। इतना हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद देखिए आपको क्या करना है, आप अब क्या करिए दोस्तों, सेक को पहले इसी तरह लिखा रहने दीजिए, एक्स कॉस, अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कैंसिल, इधर कितना बचेगा दोस्तों, सेक थीटा माइनस एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब देखिए माइनस वाला वेरिएबल हम लोग इधर लाएंगे, कॉस थीटा इधर ले आएंगे, तो पहले इसको भी हम चेंज कर लेंगे कॉस में, तो क्या बचेगा, वन अपॉन कॉस थीटा, इधर ये प्लस का इधर आएगा माइनस का, और ये दोस्तों हो जाएगा प्लस का। अब देखिए लासा लेंगे तो कॉस थीटा यहाँ पर, चलिए इधर करते हैं, इसी पेज में ख़त्म करना है इसको, तो कॉस थीटा दोस्तों यहाँ पर लासा आएगा, तो इधर तो दोस्तों वन ही आ जाएगा, इधर वन है तो कॉस का ऊपर गुणा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और इक्वल टू एक्स साइन थीटा। अभी देखिए वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एक यहाँ पर साइन थीटा, तो एक से एक कट जाएगा, तो बचेगा दोस्तों एक्स बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो एक्स का मान ज्ञात करना, तो एक्स मान कितना आ गया टेन थीटा। तो चलिए एक बार दोबारा समझाते हैं, कॉसेक को हमने 90 प्लस थीटा किया सेक थीटा आ गया, कॉट को किया माइनस टेन आया साइन को किया कॉस आया, सब उसके बाद फिर टेन को चेंज किया साइन कॉस में, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, इसको इधर ले गए इसको इधर ले आए, लासा लेके सॉल्व किया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से एक ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा एक्स बराबर साइन थीटा अपन कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं टेन थीटा, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर देखते हैं कौन सा सही होगा, 17 का दोस्तों यहाँ पर बी नंबर विकल्प सही है। तो दोस्तों अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल दोस्तों इजी क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन है दोस्तों सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वह एक से बड़ा है, तो आपको ज्ञात करना है जो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान क्या होगा। विकल्प हैं आपके सामने एक से अधिक, एक से कम, शून्य या फिर एक के बराबर। तो दोस्तों आपने एक पहले आपको फार्मूला बताते हैं फिर आपको पूरी बात बताते हैं। फार्मूला ये पढ़ा है आपने, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, तो सेक थीटा इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू वन। तो यहाँ पर पहले क्या करते हैं, सेक थीटा को इधर ही रखते हैं, इधर इसको ले जाते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए दोस्तों या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप इसको इधर ही रखिए इसको नीचे ले आइए, तो इसको हम लोग इधर ही रखते हैं इसको नीचे ले आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि जो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का जो मान है वह एक से बड़ा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो मान आएगा एक से बड़ा आएगा, 1.2 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, 1 से लेकिन बड़ा होगा। अब आपको पता है यदि 1 में हम कोई भी ऐसी संख्या से भाग दें जो 1 से बड़ी होगी तो वह कितनी आएगी, 1 से कम ही आएगी, मान लीजिए हम 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगी, तो 1 से कम आएगी। तो जो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 1 से कम आएगा, sec थीटा जो sec थीटा माइनस tan थीटा का मान क्या आएगा, 1 से कम। तो क्या लिख सकते हैं, sec थीटा माइनस tan थीटा इज लेस देन 1, तो जो इसका मान होगा वो 1 से कम होगा। तो देखते हैं विकल्प कौन सा सही होगा, तो विकल्प यहाँ पर दिए हुए हैं 1 से अधिक, 1 से कम, शून्य, 1 के बराबर, तो यहाँ पर 1 से कम यहाँ पर विकल्प राइट हो जाएगा। चलिए अब इसको एक थोड़ा और बताते हैं आपको ट्रिक से, आपको यहाँ पर पता है sec प्लस tan थीटा बराबर sec प्लस tan थीटा का मान जो है 1 से अधिक है, तो आपको ये याद रखना है, फिजिक्स का भी लॉ कहता है जो व्यतिक्रम होता है वो जस्ट उल्टा होता है। जैसे कि दोस्तों यदि हम बात करें कोई भी फार्मूला p बराबर f बटे a,
प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया आपको पता है। तो देखिए यदि हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो एरिया घटेगा, और यदि एरिया बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, जस्ट उल्टा होता है। तो वही दोस्तों यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, इसको घटाएंगे तो ये बढ़ेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा। तो इस तरह आप ये लॉजिक लगा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया हुआ है cos 60 माइनस cos 120 इज इक्वल टू sin x। तो यहाँ पर दोस्तों आपको x का मान ज्ञात करना है, वो भी रेडियन में। तो चलिए अभी आपको बताएंगे रेडियन में कैसे ज्ञात करते हैं। पहले इसको मान रखते हैं, cos 60 का मान आपको पता है 1/2, cos 20 90 प्लस 30 लिख लेंगे इसको, sin x 1/2 माइनस, अब यहाँ पर 1 मल्टीपल में होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद कॉस, जो कॉस है, कॉस मतलब कि दूसरे घर में जाएगा, तो यहाँ पर दूसरा घर होता है साइन कॉसिक का, तो यहाँ पर प्लस लग जाएगा क्योंकि माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 साइन 30 दोस्तों 1/2 होता है साइन एक्स, 1/2 और 1/2 जोड़ेंगे आएगा 1, क्योंकि आधा और आधा जोड़ेंगे हो जाएगा 1। उसके बाद साइन एक्स, साइन एक्स, उसके बाद ये कितने का मान होता है साइन 90 का, तो एक्स बराबर यहाँ पर आया 90। तो अभी तो ये आया डिग्री में, अभी दोस्तों ये आया डिग्री में, अब आपको चेंज करना है रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करेंगे दोस्तों आप क्या करेंगे, 90 इंटू जितना भी दिया होता है उसने पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 90 से कट जाएगा दो बार, तो आ जाएगा पाई बटे 2। तो ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी 19 का सही है। चलिए अब दोस्तों 20वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है tan a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 1, sin b प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू 1, cos c प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो पहले आपको ये देखना है a का मान ज्ञात करना है, मतलब कि आपको a रखना है और सब हटा देना है। तो देखिए एक इसमें बचेगा जब हम लोग समीकरण सॉल्व करेंगे। पहले आपको देखिए, पहले सबके मान लिख लीजिए, tan a प्लस बी माइनस सी, tan एक का मान होता है, मतलब एक जो tan में होता है 45 का होता है, तो आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी बराबर 45। ये हो गया समीकरण एक। इसमें देखिए 1 होता है किसका, 90 का, 90, तो b प्लस सी माइनस ए बराबर कितना आ जाएगा 90। ये हो गया समीकरण दो। ये दोस्तों कॉस में होता है 0 का, तो c प्लस ए माइनस बी बराबर 0। तो ये हो गया दोस्तों समीकरण 3। अब देखिए 3 समीकरण दोस्तों हम लोग को मिल गए। अब यहाँ पर आपको देखिए ये देखना है a का पहले मान ज्ञात करना है आपको, तो सभी समीकरण नहीं सॉल्व करने हैं आपको। ये देखना है ऐसे कौन से समीकरण हैं जिसमें हम सॉल्व करें तो हमको a मिल जाए और बाकी कट जाए। तो देखिए इसको इसको यदि सॉल्व करें तो a एक कट जाएगा, इसको इसको सॉल्व करें तो a एक कट जाएगा। एक बार एक 3 को लेके देखते हैं, a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 45। पहले हम a को लिखेंगे, फिर b को लिख लेंगे, फिर c को लिख लेंगे 0। तो देखिए a बच जाएगा, ये कट जाएंगे, तो आएगा 2a बराबर 45। तो आपको पता है 2a बराबर 45 मतलब कि 45 बटे 2, ये कितने हो जाएगा 22.5। तो एक मान कितना आ जाएगा दोस्तों 22.5। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब दोस्तों जल्दी से इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी सी दोस्तों न्यून कोण है, यहाँ पर बता दिया कि जो ए बी सी का मान आएगा न्यून कोण में आएगा। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू दोस्तों 1। उसके बाद आगे दिया हुआ है टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। उसके बाद सेक ए प्लस सी इज इक्वल टू 2। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं कैसे करेंगे। देखिए 1 किसमें, इसमें कितना, देखिए 1 हो जाएगा तो साइन आएगा 90, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा दोस्तों 90 आएगा। उसके बाद देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर दोस्तों 90 आया, c का मान आपको ज्ञात करना है। फिर उसके बाद a माइनस बी बराबर कितना आएगा 1/√3, 10 में कितने का होता है 30 का। फिर a प्लस सी बराबर कितना आएगा 2। अब 2 देखिए cos में होता है 1/2 cos 60 का मान, तो सेक्स सिक्सटी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 आएगा। अब देखिए आपको c का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी दो समीकरण सॉल्व कर लेने हैं, तो a c रखना है आपको उनमें। देखिए इसको पहले को दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 90, तो फिर a माइनस बी, और यहाँ पर दोस्तों 0 लिख लेते हैं क्योंकि कुछ है नहीं, तो b से b कट जाएगा, आएगा 2a प्लस सी इज इक्वल टू 120। तो 2a प्लस सी दोस्तों यहाँ पर 120 आया। अब देखिए आगे कैसे करना है, अब यहाँ पर
आपको सी सी रखना है और ए वाला हटा देना है, क्योंकि सी का मान आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं कि नीचे वाले समीकरण में हम क्या करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब करेंगे, पहले ऊपर वाले को लिखते हैं 2a + c = 120। तो यहाँ पर दोस्तों जब लिखेंगे तो आएगा 2a 2c 120। तो अब देखिए माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आएगा, -2c + c = 0। तो यहाँ पर -c = 0, तो सी का मान दोस्तों कितना आ जाएगा, 0। तो सी का मान कितना है दोस्तों, 0 यहाँ पर। तो देखते हैं कौन सा विकल्प नंबर, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो 21 का जो विकल्प नंबर डी है यहाँ पर राइट है 0। कैसे किया दोबारा आपको स्पीड में समझाते हैं। ये हो जाएगा 1 1, मतलब कि 90 का मान होता है, साइन साइन कट जाएगा। ये हो जाएगा 60 10 में 30, 10 10 कट जाएगा, 30 आया। ये हो जाएगा दोस्तों 66 कट जाएगा। अब देखो इनको सॉल्व करना है, तो पहले हमने 1 और 2 को सॉल्व किया, यहाँ से बी कट गया, 2a + c आया, और इधर a + c1 हमको पता है। अब आपको मान ज्ञात करना था कोण सी का, तो कोण सी का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ से आपको a हटाना है। तो a हटाने के लिए क्या किया हमने, इस समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a + 2c = 120 हो गया। अब देखिए फिर घटा दिया, ये कट गया, -2c में c रहा, -c आया, ये 0 हो जाएगा, सी का मान दोस्तों हो जाएगा 0। तो इस तरह दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको 11 नंबर क्वेश्चन से 21 नंबर क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चन करा दिए, लगभग 10 क्वेश्चन। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे हमने शुरुआत में बोला था, यदि आप लास्ट तक वीडियो देखें तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए जो पॉलिटेक्निक कर रहे हैं। चलिए दोस्तों अभी के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक दोस्तों आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।